देख रहे हैं GGS News 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। आजमगढ़ के अतवालिया बाजार बरन चौक के समीप जो कि PAC का जवान है, कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर घर आया था। दिक्कत होने पर उसका कोरोना संक्रमण का जांच भेजा गया, जो बृहस्पतिवार की रात में कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिलते ही बाजार में हड़कंप मच गई। PAC जवान रिपोर्ट मिलने के पहले ही फैजाबाद अपनी ड्यूटी पर चला गया। वहीं दूसरी तरफ अतरौलिया कस्बे में जौनपुर के रहने वाले, जो कि एक समूह के माध्यम से महिलाओं में ब्याज का पैसा वितरण करते हैं, को काफी दिनों से खांसी आ रही थी, जिसका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी आम लोगों के बीच घूम फिर रहा था तथा अपने 10 साथियों के साथ एक ही मकान में रह रहा था। आज रिपोर्ट आने के बाद SDM बुरहनपुर, CO, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अतरौलिया, स्वास्थ्य विभाग की टीम अतरौलिया थाना ने तथा उन लोगों के आवास का निरीक्षण कर उन्हें सैनिटाइज करते हुए उनकी गली घर से कुछ दूरी से ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन्हें सील कराया। अब आगे भाई अंजलि वर्मा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अतरौलिया। आप देख रहे हैं GGS News 24 ब्यूरो अतरौलिया आजमगढ़। आशीष कुमार निषाद की रिपोर्ट। सुबह खबर मिली है कि दुल्हा टोला में अब्दुल अजीज पुत्र लतीफ जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि अयोध्या PAC में थे। वो 9 तारीख उनकी सैंपलिंग हुई थी और वो कल जो है अयोध्या चले गए। तो उनका घर जो है वार्ड नंबर 11 में स्थित है, उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, उसमें सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। प्रतिदिन कर्मचारी आके यहाँ साफ सफाई करेंगे और यहाँ के लोगों को भी बताया गया है कि वो यहाँ पर जो है एकदम जागरूक रहें, उनके घर के लोगों से ना मिलें और उनके मोहल्ले के लोग भी अलर्ट रहें। सर मैम, कितनी दूर तक का कंटेनमेंट जोन बनाया गया है? ये लगभग 50 मीटर का कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, तो दोनों तरफ से सील कर दिया गया है। खाने पीने की व्यवस्था के लिए बगल में जो भी किराना की दुकान होगी उससे कह दिया जाएगा कि वो जहाँ पे बांस बली लगा के कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहाँ पर जो है होम डिलीवरी कराएं, जिसको जो भी ज़रूरत होगी तो उस दुकान से संपर्क कर लेंगे। आप देख रहे हैं GGS News 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ।